नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय भर्ती 2024 की नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय भर्ती 2024 के बारे में। इसकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। दोस्तों, 10th पास भी है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, आपकी सैलरी 28,000 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आप हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने यार दोस्तों और मित्रों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय भर्ती 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना अनिवार्य है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इन सब के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहां पे दे रखा वैकेंसी के बारे में, नेशनल वाटर डेवलपमेंट है। दोस्तों, यहां पे दे रखा इंपॉर्टेंट डेट्स है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 9 जुलाई 2024 रहने वाली है और पेमेंट भी आपको 9 जुलाई से पहले पहले आपको करना है। तो दोस्तों, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है इसमें सरकारी जॉब पाने के लिए, तो दोस्तों उन्हें 9 जुलाई से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अंतिम दिनों के अंदर इसकी साइड वेस्ट चलने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको 5-7 दिन पहले ही फॉर्म अप्लाई जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली, यह सीधी भर्ती है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.nwda.gov.in। ये यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। दोस्तों, आपको इसको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की PDF भी दी गई है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया गया, अप्लीकेशन लिंक भी दिया गया है, ये और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि दोस्तों क्या क्या योग्यता रहने वाली है। दोस्तों, 10th पास कैंडिडेट MTS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों ग्रेजुएशन किया हुआ कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रीड नोटिफिकेशन यानी कि दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के बाद में उसे अच्छी तरीके से रीड करने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी दोस्तों 22,412 रुपये से लेकर 24,648 रुपये तक रहने वाली है। दोस्तों 22,412 रुपये रहने वाली है MTS के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 24,648 रुपये रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों HRA मिलने वाला है और दोस्तों अलाउंस मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों 2-3 हज़ार रुपये और बढ़कर आपको मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों आपके 9/7/2024 से आपकी एज मान्य होगी। मिनिमम एज है 18 ईयर, मैक्सिमम एज है 40 ईयर और दोस्तों एज में नियमों के अनुसार इसमें छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन से नियम हैं जो जिसके अनुसार आपको छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलने वाली है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है और दोस्तों फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट है उसे 10 साल की छूट, SC/ST के कैंडिडेट को 15 साल की छूट और OBC के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलने वाली है। अब सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ओनली फॉर आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं दिए गए हैं। दोस्तों ये आपके ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, इसीलिए मैं आपको दोस्तों बोलता हूँ जब भी फॉर्म आप अप्लाई करें तो उसमें ईमेल आईडी आप सही से जरूर फिलअप करें। दोस्तों आगे बात करते हैं सेकंड स्टेप की। दोस्तों सेकंड स्टेप इसमें दोस्तों टाइपिंग भी होने वाली है और दोस्तों इंटरव्यू भी होने वाला है। ये डाटा ऑपरेटर के लिए है और ओनली फॉर इंटरव्यू रहने वाला है MTS कैंडिडेट के लिए। फाइनल स्टेज होगी इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करते समय एक चीज़ पूछी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आपको 464 आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फीस की, यानी कि अप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। जनरल OBC
ओबीसी और ईएसएम के लिए 885 रुपये रहने वाले हैं। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 531 रुपये रखा गया है। दोस्तों ऑल इंडिया की जॉब है, इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी स्टेप है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में मेरा मानना है कि दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको इसका प्रिंट आउट जरूर लेना चाहिए। दोस्तों प्रिंट आउट निकालने से क्या होता है कि जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसका प्रूफ आपके पास में होता है। दोस्तों बात करते हैं जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन दोस्तों तीन तीन जॉब लोकेशन रहने वाली है। डाटा एंटर ऑपरेटर के लिए दिल्ली रहने वाली है, हैदराबाद रहने वाली और भुवनेश्वर ये जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेकिन दोस्तों एमटीएस के लिए ओनली फॉर दो जॉब लोकेशन रखी गई है, एक तो हैदराबाद है और दूसरी है भुवनेश्वर में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में ए टू जेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।